वेलकम गाइस, आई टी हेल्पर वीडियो में आपका स्वागत है। वीवो का 1724 और इसके अंदर जो है आपका हार्ड रीसेट कैसे मानना वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो है आपको अपने एंड्रॉयड को जो है फुल टू स्विच ऑफ कर देना है, पावर ऑफ। ये मैंने यहाँ से इसे पावर ऑफ कर दिया है। अब इसको करने के बाद आपको जो ऊपर का प्लस का वॉल्यूम है और ये पावर का बटन दोनों साथ में प्रेस करना है। ये साथ में प्रेस कर दिया, इसको नीचे रिकवरी मोड पे ऑप्शन लेकर आएं, माइनस के बटन प्रेस करके फिर यहाँ से आपको ओके प्रेस कर देना। ये पावर का बटन दबा के ये ओके प्रेस हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे आपके सारे, तो उसके बाद जो है आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, जो भी आपको वाइप करना कुछ भी करना। तो सेकंड नंबर पे ही आपका वाइप डाटा आया था, ये मैंने इस पर ओके कर दिया। फिर यहाँ पर वाइप डाटा आ जाएगा हमारा नीचे, ये वाइप डाटा, ये हमने ओके कर दिया। अभी ये जो है हमारा वाइपिंग हो रहा है, इसको करने के बाद हम इसे ओके कर देंगे। ये हम बैक जाते हैं, सिस्टम रिबूट, सिस्टम रिबूट हो गया। यहाँ पे टच पे भी काम करता है, तो ये थोड़ा सा इस चीज़ में टाइम लेगा, उसके बाद जो है ये आपका हो जाएगा प्रॉपर। आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है आपका सारा डाटा वाइप हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे समय लगता है, आपको यहाँ पे जो है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आई टी हेल्पर को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पे थोड़ा सा आपका समय और लगेगा। और हाँ, याद रखें जो आपके जो बैटरी की चार्जिंग है वो भी होनी चाहिए आपकी 50%, नहीं तो फिर आपके प्रॉब्लम हो जाएगी अगर 50% चार्जिंग नहीं हुई तो। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो है थोड़ा सा समय लगता है, आपको वेट करना पड़ेगा। उसी देर में जो है हमारा फ़ोन पूरा वाइप हो जाएगा।
जितना समय मेरे फ़ोन का लग रहा है सेम उतना ही आपकी भी टाइमिंग होगी। ये वीवो का लोगो थोड़ी सी देर आता है और कम से कम आपका पाँच मिनट सात आठ मिनट जो है आपका इसमें जो है लग जाएगा टाइमिंग सात आठ मिनट की। इस सिचुएशन में आपको जो है अपने फ़ोन को बंद नहीं करना है, अगर बंद करोगे तो फिर दूसरी प्रॉब्लम आपके फ़ोन में आ सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि पावर ऑफ ना होने दें फ़ोन का। अगर पावर ऑफ हो जाता है तो फिर आपके फ़ोन का जो है डेड होने का भी रिस्क होता है इसके अंदर, कि आपका फोन एंड्रॉयड जो है वो डेड हो सकता है। यहाँ पे ये मेरा सेटअप स्टार्ट हो चुका है, अब मैं इसको आगे फॉरवर्ड करता हूँ। मैंने नेक्स्ट कर दिया, यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन आया, अगर आपको लैंग्वेज चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्री एग्री कर दिया मैंने, ये मैं स्किप कर देता हूँ यहाँ से। स्किप कर दिया, मोर एक्सेप्ट, नेक्स्ट, फिर इसको भी हम स्किप कर देंगे फेस पासवर्ड को, फिर यहाँ से नेक्स्ट, फिर स्किप, फिर जो है हमारा यूज नाउ। तो ये जो हमारा एंड्रॉयड है वो फिर से स्टार्ट हो चुका है। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ IT हेल्पर के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अब ये जो है हमारा टोटल एंड्रॉयड लोडिंग हो रही है, अब ये स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ IT हेल्पर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।